और सिचुएशन जो है वो बैड से वर्स है, सीरियस बनी हुई है। ये एंटिसिपेट कर लिया गया था कि जो इसकी सेकेंड वेव होगी वो काफ़ी लिथल फिरोसिटी के साथ फैलेगी, और यही अब देखने को भी मिल रहा है। ये कहना कि दर्शाता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर विच नीड्स टू बी टेकन इन कॉग्निसेंस। तो कहीं ना कहीं हम इसको डॉक्टर्स को हम ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी खामियों की वजह से भी जो सेटअप खराब है। देख लीजिए जहां जहां इलेक्शंस हो रही है वहां पर कितने एक्सपर्ट हो रहा है, एक स्पाइक हो रही है कोरोना केसेस में, और फिर उसका जो इफेक्ट है वो हर जगह देखा जा रहा है। यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट इलेक्शंस असेंडिंग टू पावर द थ्रोन्स ऑफ पावर, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नमस्कार, द फोर्थ स्टेट्स न्यूज में आपका स्वागत है, मैं प्रिंसदेल। सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो चुकी है। कोविड 19 अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। ओपन टॉक्स में हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर गगन प्रताप जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। ओवरऑल सिचुएशन पे मद्देनज़र उनका क्या कहना है इस पैंडमिक सिचुएशन को लेकर। गगन जी, सबसे पहले तो कोविड अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो बड़ा ही हाहाकार एक सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन जिसकी अगर बात कर ले वो हो चुका है, तो उसको किस नज़रिए से देखिए। जो ये कोविड 19 की जो सेकंड वेव है जी, इट इज़ वेरी मच फिरोशियस जी, और सिचुएशन जो है वो बैड से वर्स है, सीरियस बनी हुई है। और ये तो लास्ट ईयर जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुई थी जब पैंडमिक आउटबर्स्ट हुआ था इसका, तो ये एंटिसिपेट कर लिया गया था कि जो इसकी सेकंड वेव होगी वो काफ़ी लिथल फिरोसिटी के साथ फैलेगी, और यही अब देखने को भी मिल रहा है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ, जब तक घर से बाहर कोई ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकलें, और जितने भी आपके कोविड 19 प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हाथ धोते रहिए, और अपना जो मास्क है ये पहन के रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करके रखिए। जिस तरीके से देखा गया आज जीएमसी की अगर हम बात करें, हालात जो है बद से बदतर हैं। एक बेटे ने अपना पिता खो दिया, वेरी अनफॉर्चुनेट जी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि कहीं भी कोताही नहीं है हमारी तरफ से, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, हर एक चीज़ प्रॉपर टाइमिंग के, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज की जो घटना है वो कहीं ना कहीं आई ओपन करती है। बिल्कुल, देखिए अभी होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम जो यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसका भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, और इसी के चलते कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एचओडीज और प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग ली, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको अप्राइज किया कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सेट जो स्टॉक है वो एडिक्वेट है और इसकी कोई कमी नहीं है। अगर ये दावे सही हैं तो फिर जो आज का जो केस हुआ है जिसमें एक पुत्र ने अपने पिता को खोया, और बड़े इमोशनली उसने ये बताया कि हॉस्पिटल के जो लैकडाइसिकल एटीट्यूड है डॉक्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के ना होने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई है, ये कहना कि दर्शाता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर विच नीड्स टू बी टेकन इन कॉग्निसेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। आई मस्ट नॉट से ओनली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमसेल्फ, क्योंकि मैं पहले दा देता हूँ उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, कि उनकी जो बेटी जो सुपुत्री थी वो भर्ती हुई कल, और उन्होंने ये सीधा कहा कि उनको जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिस्टम पे पूरा नाज है, गर्व है और भरोसा है। बिल्कुल अच्छा है, हम उनके इस जेस्चर को वेलकम करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये भी गुहार लगाना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप, आई सैल्यूट यू फॉर दिस, लेकिन आप आएंगे तो सारे डॉक्टर्स अपना काम छोड़ के इकट्ठे होंगे, ऐसा कल्चर है यहाँ पर हिंदुस्तान में, ऐसा कल्चर है। जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दी, इंडिया, पूरे इंडिया में VIP कल्चर बना हुआ है, लेकिन आपका भरोसा तो इस हेल्थ सिस्टम पर है, लेकिन आम जनता का भरोसा इस हेल्थ सिस्टम पर नहीं है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप मेरी बात करें, मुझे खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह का व्यवहार होता है,
तो कहीं ना कहीं हम इसको डॉक्टर्स को हम ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी खामियों की वजह से भी जो सेटअप खराब है। एक साल हो गया, एक डेढ़ साल हो गया इस कोरोना पैंडेमिक को, आउटबर्स्ट को, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी ये एंटिसिपेट करना कि अब जो सेकेंड वेव आएगी उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स एडिक्वेट होने चाहिए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडिक्वेट होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्लांट जो हैं, ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारे पास तैयार होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये प्रियम्प्ट करना चाहिए था सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो हम सिर्फ अस्पतालों को हमें दोष नहीं देना है, हमें इस सेटअप पे, हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो प्रॉक्सी रन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में चल रही है, दोनों को ब्लेम करना चाहिए, जिसकी अपनी एक जो विजन नहीं है, उनका एक 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 प्लान नहीं है, जिसकी वजह से आज ये समस्या जो गंभीर हो चुकी है। कहीं ना कहीं गगन जी देखा ये भी जाता है कि वीआईपी कल्चर, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज की जो दुर्घटना हुई वो बड़ी निंदनीय है, एक शर्मसार घटना अगर हम बात करें तो एक दुख भरी घटना है। हमारा पूरी संवेदना है उस परिवार के साथ जिसके ऊपर ये दुख की पीड़ा जो है वो सहन कर रहे हैं इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वीआईपी कल्चर है ये कहीं ना कहीं हमें ले डूबेगा, तो उसके बारे में क्या? देखिए वीआईपी कल्चर की मैं क्या बात करूं, अब तो आप देख लीजिए मद्रास के ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लताड़ा और कहा कि यू आर द सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेकेंड वेव इन द कंट्री, और मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन का भी दर्जा जो है वो मद्रास की हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया, और ये भी कहा कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको बुक करना चाहिए मर्डर चार्जेस में। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रही है, 8 फेजेस में इलेक्शन करवाए गए वहां पर, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको, वीआईपी कल्चर की बात छोड़िए, जो हमारी जो इसमें कटाक्ष करने मुझे संकोच नहीं कि भाजपा जो आपके केंद्र में बैठी है, सिर्फ उनको सत्ता का लोभ है, इनसे कोई लोगों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपके ऑफिसर्स को बुक करना चाहिए मर्डर चार्जेस में, और वेस्ट बंगाल में देखिए 8 फेजेस में इलेक्शंस करवाई, हर क्वार्टर से आवाज आ रही थी जो आप कटेल कीजिए अपना इलेक्शनरिंग प्रोसेस, क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव पैंडेमिक चल रहा है। 8 फेजेस में इलेक्शन कराई गई ऑन द बिहेस्ट ऑफ, ये कॉमन सेंस है, एक आदमी जान सकता है, ऑन द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी ये इलेक्शंस करवाई गई, और रैलीज को आपने परमिट किया करने के लिए, मैमथ रैलीज को। आज नतीजा देख लीजिए आप, तमिलनाडु में पिछले सैटरडे को 15,000 केसेस थे, उससे दिल्ली का हाल देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल का हाल देख लीजिए आप, देख लीजिए जहां जहां इलेक्शंस हो रही है वहां पर कितने एक्सपर्ट हो रहा है, एक स्पाइक हो रही है कोरोना केसेस में, और फिर उसका जो इफेक्ट है वो हर जगह देखा जा रहा है। आपको सिर्फ सत्ता का लोभ है, आप इलेक्शंस कराने में बिजी हैं, वीआईपी कल्चर, दिस इज कॉल्ड वीआईपी कल्चर, यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट इलेक्शंस, असेंडिंग टू पावर, द थ्रोन्स ऑफ पावर, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल आर सफरिंग एंड यू आर एंजॉयिंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ ऑन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द इनोसेंट पीपल। आज भी जिस तरीके से देखा गया कि जिस तरीके से वहाँ पे एक बड़ा ही शमसार, अगर हम बात करते हैं वाकया जो सामने आया उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेतागण हम वहाँ पे जो है उसके बाद विजिट करने जाते हैं, तो क्या वो एक लोगों को क्या संवेदना, क्या सहनशीलता, क्या दिखाना चाहते हैं? आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ कि आज का जो अगर हमारा यहाँ का जो हुआ है जिस तरीके से एक इंसान की जान गई है ऑक्सीजन को लेकर, उसके बाद हमारे जम्मू से यहाँ से बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडरगण जो हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको ये दिखाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम कोविड के लिए बहुत ही चिंतित हैं, तो उसका क्या फ़ायदा जब एक जान चलने के बाद? भारतीय जनता पार्टी को एक एडवाइस देना चाहूँगा, रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दिस फोटो ऑप्स, प्रैक्टिकली कुछ कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को नहीं, सभी ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जहां हमारे बन पाए, हमें इस जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें एकजुट होकर काम करना है, और इसके मूल मंत्र 3 है, स्टे होम स्टे सेफ, दूसरा आप जो है अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, तीसरा मैं आपसे फिर निवेदन करूं, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सभी लोगों को, अपना टीकाकरण करवाइए, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, और अब तो पहली मई से जो है बिल्कुल 18 से अबव जो है लोगों को भी जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम वो शुरू
कर दिया गया है, तो इसमें युवाओं को भी भाग लेना होगा, क्योंकि अब ये बीमारी जो है बुजुर्गों की तरफ नहीं देख रही है, अब छोटे छोटे बच्चे और इसमें युवा लोग भी जो हैं इस बीमारी ने उनको भी अपनी चपेट पर ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी इस इशू में पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को आई विल गिव देम वन मोर पीस ऑफ एडवाइस, रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दिस फोटो ऑप्स, डू समथिंग प्रैक्टिकल। और आप उन लोगों का भी सोचें जो सड़कों पर बैठे हैं, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए कितनी सोरिंग है यहाँ पर, महंगाई देख लीजिए, इन्फ्लेशन, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सिर्फ आ जाते हैं जब कोई आपदा आती है या फिर कोई ऐसा कोई हो जाता है इंसिडेंट जिसमें आप अपने TRP गेन करने के लिए जो आपने सामने आ जाते हैं, ऐसे आप मिलते नहीं। CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एस्पिरेंट युवा वहाँ 4 महीने से बैठे हुए थे, सर्दियों में सर्दियों में वो ठिठरे, गर्मियों में वो बैठे, बरसातों में उन्होंने उस क्या कहते हैं थंडर शॉवर्स का जो है सामना किया, और वो तरपाल लेके बैठे हो, तब आपको उनको को देखने नहीं आया। और आज एक केस आता है, हमें उस पुत्र के साथ सहानुभूति है और उसने अपना पिता खोया है, हमें दुख है, सबको दुख है, और आप वहाँ फोटो ऑप्स के लिए चले जाते हैं। दिस इज यू हैव स्टूप्ड सो लो। आपकी राजनीति का आपका स्तर देखिए कहाँ पर पहुँच चुका है। लोगों को अब जवाब देना होगा, पीपल हैव टू गिव देम बेनिफिट। आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा हमारा ये है कि जो आज हमारे जो एक हेल्थ सिस्टम जो हमारा जो एक शैम्बल्स में है, जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है कंट्री में भी और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा दिख रहा है, वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस सिचुएशन को संभालिए। अभी भी मौका है क्योंकि जम्मू कश्मीर में माता रानी की कृपा है, अभी भी हमारी जो हालात है दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर भी इस बीमारी की पूरी तरह लपेट में आ जाएगा। कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है जिस तरीके से कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है जी, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी कगार पे चलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल। देखिए ना, अब एक अजीब सा माहौल बना हुआ है इस कोविड पैंडमिक के चलते, और अब तो ये है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसको अस्पताल की शक्ल जो है दरवाजा भी देखना पड़े। लोग कहते थे कि एक थाने का रास्ता हमें देखने को ना मिले और एक हमें हॉस्पिटल का रास्ता देखने को मिले। लोग कहते थाने का मिल जाए वहाँ फिर वो सेफ हैं, सलाखों के पीछे सेफ हैं, लेकिन अस्पताल में आज लोग सेफ नहीं है ऐसा महसूस करते हैं वो लोग। वो क्यों ऐसा महसूस करते हैं, इस पर ये इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी इसका जिम्मेवार है, क्योंकि आपने हेल्थ सेटअप को जो है ब्यूरोक्रेट्स के नीचे रखा हुआ है ऐसा मानना है, और आप टेक्नोक्रेट्स को उसके नीचे नहीं रखते हेल्थ केयर सेटअप को। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये भी एक गंभीर विषय है। आप ब्यूरोक्रेट्स जो है इस हेल्थ सिस्टम को चला रहे हैं अपनी मनमानी करते हुए, एक टेक्नोक्रेट नहीं चला रहा, हमें डॉक्टर्स को पूरी तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें प्रशासन हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू द गवर्नमेंट हैज टू बी स्क्वेयरली ब्लेम फॉर ऑल दिस मेस व्हिच इज गोइंग ऑन। 1-1.5 साल बहुत है एंटीसिपेट करने के लिए। सेकंड गगन जी, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे एक आवाम को, एक आम जनता? मैसेज मैं आपके माध्यम से यही देना चाहूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकले, ये बीमारी बहुत घातक है, खतरनाक है, और इस पर विचार कीजिए। हमें अपनी सेहत का ख्याल अपने खुद रखना है, ऐसा समय ना है कि अस्पताल का हमें मुंह देखना पड़े, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए और टीकाकरण करवाइए। तो ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि सिचुएशन अगर बात की जाए तो बद से बदतर होती जा रही है, सिचुएशन जो है वो बहुत ही अलार्मिंग है इस समय ओवरऑल इंडिया की, ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो केसेस जो है वो दिन ब दिन राइज अप कर रहे हैं। तो स्टे होम स्टे सेफ, हमारी अगली अपडेट के लिए बने रहिए द फोर्थ स्टेट्स न्यूज़ के साथ।